महाराष्ट्र के रायगढ़ से संदिग्ध बोट मामले में नया खुलासा सामने आया है। डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने बयान दिया, एक ऑस्ट्रेलियाई दंपति की थी बोट, मस्कट से यूरोप की तरफ जा रही थी, तूफान में बहकर रायगढ़ तक पहुंची, फिर भी मामले की पूरी जांच जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को गुपकार गठबंधन की बैठक बुलाई है। बैठक में सूबे के गैर कश्मीरी वोटर्स के मुद्दे पर सभी पार्टियों से चर्चा संभव है। चुनाव आयोग के फैसले का सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के आरोपी फैजल मुनीर की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ा एक्शन किया। जम्मू, डोडा, श्रीनगर समेत 8 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से एक साथ छापेमारी की गई। टेरर फंडिंग मामले की जांच में भी अहम जानकारी मिलने पर एनआईए ने यह रेड मारी। जैसलमेर के भारत पाक बॉर्डर के पास से एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। बॉर्डर के तार को पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में था बांग्लादेशी युवक। संदिग्ध के पास से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और एक नक्शा मिला। बीएसएफ ने संदिग्ध युवक को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में मानसा पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। चार्जशीट में 15 से ज्यादा आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें शूटर से लेकर हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल है। पटना में वारदातों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज दिन दहाड़े सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के कंकड़बाग में हुई इस वारदात के बाद पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अरुणाचल प्रदेश में तैनात था यह जवान। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ब्रेन और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टरों ने परिवार को जवाब दिया, पिछले हफ्ते हार्ट अटैक के बाद कई दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर हैं राजू श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बन गई है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने जारी की है रिपोर्ट। प्रदूषण के कारण 2019 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 106 लोगों की मौत हुई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में PM 2.5 भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पंजाब के संगरूर में चलता फिरता घर सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बना। एक किसान ने अपने लग्जरी घर को 200 फीट तक शिफ्ट कराया। घर को गाड़ी उठाने वाले लोहे के जैक से हर रोज 10 फीट मूव किया जा रहा है। पूरी तरह शिफ्ट करने में लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा।